Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today, my lecture number two is on number system place value. Before you have done number system, write in words. Then, next topic is place value. What is place value? Place value is the value of each digit in our number. प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की क्या वैल्यू है अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं टू डू प्लेस वैल्यू यू हैव टू लर्न अबाउट वंस एंड टेंस फर्स्ट वी हैव टू कम ऑन वंस वॉट इज वंस नंबर्स फ्रॉम जीरो टू नाइन आर वंस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन सम सर्कल्स दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दीज आर वंस एंड दीज नंबर आर कॉल्ड वंस नेक्स्ट कम टू टेंस वट आर टेंस टें व मेक वन टेन टैन वंस इज इक्वल टू वन टेन आपको कैसे पता चलेगा जब हमारे पास टेन सर्कल्स इकट्ठे हो जाएंगे वन टू थ्री four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten ones is equal to one ten. You have the number twelve. Twelve ko hum tens or ones mein kaise split karenge. We have two ones and one ten. One ten means you have 10 ones then you have two ones, which makes 12. The next number is 45. How to split 45 in 10s and ones? We have four tens and five ones, which makes 45. Place value karne ka ek aur method hota hai which is write the numerals. जिसमें हमारे पास टेंस और वंस गिवन होते हैं हमने उनके न्यूम्रल्स को राइट करना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल एट टेंस एंड फोर वंस इज इक्वल टू एटी फोर देन यू हैव सीन वन मोर एग्जाम्पल नाइन टेंस एंड फोर वंस इज नाइन्टी फोर हमारे पास अगर नाइन टेंस होंगे एंड फोर वंस होंगे वो क्या बनाएगा नाइन्टी फोर यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल फोर टेंस एंड सेवन वंथ फोर टेंस और सेवन वंथ मिलेंगे तो क्या बनेगा फोर्टी सेवन नेक्स्ट हमारे पास एक और मैथड आता है कि हमारे पास नंबर्स दिए गए होते हैं हमने उसे टेंस और वंथ में स्लिट करना होता है वो हमारे पास कैसे गिवन होते हैं लुक एट द स्क्रीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू मीन्स 22 में कितने टेंस और कितने वंस हैं हमने बताना है जब हम 22 को स्प्लिट करेंगे यू हैव टू टेंस एंड टू वंस देन नेक्स्ट यू हैव टू सी 39 39 मींस नाइन थ्री टेंस एंड नाइन वंस नेक्स्ट नंबर इज 72 72 में कितने टेंस होंगे सेवन टेंस एंड टू वंस होप यू अंडरस्टैंड वर्ल्ड do the written practice of place value clear the concept of tens and ones learn the definition of tens and ones then move to the next concept once you have learnt your tens and ones you have to able to do the place value thank you